अस्सलाम वालेकुम क्लास फाइव स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन। हम जो है वो साइंस में चैप्टर पढ़ रहे थे अपना स्टेट्स ऑफ मैटर, बॉइलिंग, एवापोरेशन एंड कंडेंसेशन। स्टूडेंट्स, हमने जो है वो इस चैप्टर में तमाम टॉपिक्स को जो है वो रीड आउट कर लिया है। आज जो हमने पढ़ना है वो हमने पढ़ना है इस चैप्टर का मैप इट आउट, पेज नंबर 64 पर मौजूद है। ठीक है, ये मैप इट आउट ये बेसिकली है क्या? देखें, ये जो है वो इस चैप्टर को समराइज़ किया हुआ है कि बेसिकली हमने इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स को जो है वो डिस्कस किया है। ठीक है, हमने जो है वो स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा। ठीक है, अब देखें, अगर हम यहाँ से बात करें वाटर, पानी, ठीक है, तो वाटर कैन चेंज इन स्टेट्स, वाटर डिफरेंट स्टेट्स में चेंज हो सकता है, वाटर डिफरेंट स्टेट्स में चेंज हो सकता है। जैसे वाटर, अब मैटर है, मैटर के स्टेट्स क्या हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, अब वाटर की स्टेट्स कैसे चेंज हो सकती हैं? थ्रू बॉइलिंग, थ्रू कंडेंसेशन, थ्रू एवापोरेशन। ठीक है, वाटर की स्टेट्स में कैसे चेंजिंग आ सकती है? बाय बॉइलिंग, बॉइलिंग के थ्रू हम जो है वो किसी लिक्विड को अगर हीट करें और हीट करने पर वो वाटर वेपर की सूरत में हवा में शामिल हो जाए तो ये बॉइलिंग। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि वाटर किस में चेंज हो रहा है? गैशियस स्टेट में चेंज हो रहा है। इसी तरह कंडेंसेशन, कंडेंसेशन गैस का लिक्विड में चेंज होना। ठीक है, एवापोरेशन, ठीक है, ये तमाम क्या है? ये स्टेट वाटर मैटर की जो स्टेट्स हैं इनमें चेंजिंग आ रही है थ्रू दीज प्रोसेस, बॉइलिंग, कंडेंसेशन और एवापोरेशन। ठीक है, वाटर अंडरगोज अ साइकिल, वाटर साइकिल मैंने आपको बताया था, द चेंज ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर एंड बैक टू वाटर इन नेचर इज कॉल्ड वाटर साइकिल। ठीक है, अब वाटर साइकिल जो है वो इसका क्या मेन पर्पस है, क्या रोल प्ले करती है? इंश्योर द कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर ऑन अर्थ, हमारी जो ज़मीन पर फ्रेश वाटर को जो है वो सप्लाई करने का काम सरंजाम देती है। ठीक है, अब वाटर साइकिल बेसिकली है क्या? वाटर साइकिल में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो वाटर बॉडीज़ होती हैं सच एज ओशियंस, रिवर्स, लेक्स, ये तमाम की तमाम क्या होती हैं? ये वाटर बॉडीज़ होती हैं। अब वाटर बॉडीज़ क्या करती हैं? सन्स की जो हीट होती है उसको ट्रैप करती हैं और उसमें से वाटर जो है वो वाटर वेपर की सूरत में एयर में शामिल होने लग जाता है, यानी एवापोरेशन का प्रोसेस होता है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर, एवापोरेशन। ठीक है, फिर क्या होता है कि ये जो वाटर वेपर्स होते हैं ये सराउंडिंग एयर जो होती है उससे जो टेम्परेचर लो होता है सराउंडिंग एयर का, उसकी वजह से ये वाटर वेपर चेंज हो जाते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स में, पानी के कतरों में। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स यानी कंडेंसेशन होता है, फिर इस कंडेंसेशन की वजह से क्या होती है? रेन होती है। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक पूरी वाटर साइकिल है कि पानी, पानी का वाटर वेपर बनना, फिर वाटर वेपर से वाटर ड्रॉपलेट्स बनना, फिर उससे क्या हो जाना? बारिश हो जाना। ये क्या है? ये वाटर साइकिल है। ठीक है, अच्छा, अब एवापोरेशन क्या है और कंडेंसेशन क्या है इसे ज़रा डीपली समझते हैं। देखें, एवापोरेशन वेयर वाटर गेन्स हीट, एवापोरेशन कब होगी? जब कोई भी वाटर क्या करेगा? हीट को गेन करेगा, हीट को अपने अंदर बढ़ाएगा। ठीक है, टू बिकम वाटर वेपर, जब एवापोरेशन होगी, जब वाटर ने हीट को अपने अंदर गेन किया और वो चेंज हो गया वाटर वेपर के अंदर, तो प्रोसेस कौन सा होगा? एवापोरेशन। कंडेंसेशन कौन सा प्रोसेस होगा? वेयर वाटर वेपर्स लूजेज हीट, वाटर वेपर्स जो होंगे वो हीट को लूज करेंगे, हीट को अपने अंदर से कम करेंगे, टू बिकम वाटर ड्रॉपलेट्स, और पानी के कतरे बन जाएंगे। तो ये होगी कंडेंसेशन, और एवापोरेशन वो जिसमें जब लिक्विड को हीट मिलेगी तो वो वाटर वेपर में चेंज हो जाएगा। कंडेंसेशन वो जिसमें वाटर वेपर जब हीट को लूज करेंगे, हीट को अपने अंदर से ख़त्म कर देंगे तकरीबन, और वो वाटर वेपर पानी के अंदर चेंज हो जाएंगे, वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाएंगे, तो वो कहलाएगा कंडेंसेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये जो पूरा पेज है बेसिकली मैप इट आउट है, पेज नंबर 64 पर ये हमें समराइज़ कर रहा है, डिफाइन कर रहा है कि हमने इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़े हैं और किन किन चीज़ों को समझा है। तो इस चैप्टर से जो हमें सीखने को मिला वो ये कि मैटर की जो स्टेट्स होती हैं ना वो चेंज हो सकती हैं बाय द प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग, कंडेंसेशन एंड एवापोरेशन। वाटर साइकिल क्या होती है ये हमने जाना, किस तरह से एक लिक्विड जो है वो हीट को लूज़ करता है, हीट को गेन करता है, जब लिक्विड हीट को लूज़ करता है तो क्या होता है, जब लिक्विड हीट को गेन करता है तो क्या होता है, ये सब कुछ जो है वो हमने
इस चैप्टर के अंदर पढ़ा है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा। बहुत अच्छा ये मैप इट आउट है और ये हमें इस पूरे चैप्टर की समरी बेसिकली बता रहा है कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।